हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का जो है ये सबसे लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है सेंटर को यह बोला है कि जब तक कि हमारा ये जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट का ये केस चल रहा है, जब तक कि ये पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो जाता है, तब तक जो है आप यूपीएससी का नोटिफिकेशन रिलीज नहीं कर सकते हो। तो इस पर सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, यूपीएससी का नोटिफिकेशन जो है वो 10th ऑफ फेबररी को रिलीज होने वाला था, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस केस का, तो इस केस में एक्चुअली ये था कि कोविड के टाइम पे कई सारे लोग ऐसे थे जिनका कि लास्ट अटेम्प्ट था, कई सारे लोग ऐसे थे जिनका कि एज जो है 32 या फिर ऊपर होने वाला है इस अटेम्प्ट में। तो फिर क्या हुआ था कि उनका कोविड की वजह से प्रिपरेशन जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, या फिर वो कोविड की वजह से एग्जाम्स ही नहीं दे पाए थे। अगर मान लीजिए कि कोई एग्जाम नहीं दे पाया है और उसका जो है ये लास्ट अटेम्प्ट 2020 था, तो आप समझ सकते हो कि उसके साथ कितना बड़ा नाइंसाफी हुआ है, उस इंसान ने कितना प्रिपरेशन किया होगा। और जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, जो कि किसी के हाथ में नहीं है, ये एक नेचुरल कैलामिटी था, तो फिर उसके लिए उस इंसान का जो है लॉस नहीं होना चाहिए। तो उसी केस को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से बोला था कि आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को कंसीडर करो। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और यूपीएससी को यह बोला हुआ था, लेकिन दो टू डेज पहले ही द हिंदू में यह न्यूज़ आई थी कि सेंटर ने बोला है कि हम एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को जो है हम एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के फेवर में नहीं है और यह नहीं दिया जाएगा। तो उसी के रिस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला है कि जब तक कि यह केस पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो जाता, यूपीएससी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं करेगा। हालांकि इस केस की सुनवाई नेक्स्ट डेट है 28th ऑफ जैन, लेकिन अगर यह केस और भी आगे बढ़ता है तो आप ऐसा सोच सकते हो कि अगर 10th ऑफ फेब को जैसे कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला था, और तब तक अगर केस पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होता है तो यूपीएससी का नोटिफिकेशन रिलीज नहीं होगा। और इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि अगर यह केस सॉल्व नहीं हुआ तो जो बच्चे जिनका इस 32 हो गया था, तो उनको पता ही नहीं रहेगा ना कि उन्हें इस साल फॉर्म डालना है या फिर नहीं डालना है। मतलब यानी कि उनको प्री का एग्जाम देने के लिए वो क्वालिफाई है या फिर नहीं है। तो इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि यूपीएससी जो है नोटिफिकेशन रिलीज नहीं करेगा जब तक कि ये मैटर सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो बस यहीं तक न्यूज़ की इस अपडेट थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।